मैं देख रहा हूँ कि चंद्रशेखर चौधरी जी ने जैसे हमें कहे थे कि उसी प्रकार से गांव तक सड़कें भी बन गई, बिजली भी पहुंच गया, पीने के पानी की भी व्यवस्था हो रही है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र का विकास किया है, आप सबके लिए उन्होंने काम किया है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में आप उनको वोट देना है। यही मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, यही अपील करने के लिए आया हूँ। अब यहाँ से अभी कह रहे थे कि यूपीए गठबंधन के भी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ है, तो उनको हम क्यों वोट देंगे? इन लोगों ने कौन सा काम किया? इन लोगों ने ना राज्य बनाया ना विकास का काम किया। आप याद करिए, इस देश में 50-60 वर्षों तक किसकी सरकार रही? देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, और उसके बाद भी अलग राज्य नहीं बना। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दोस्ती किसके साथ था? कांग्रेस पार्टी के साथ था। आप सबको पता है ना कि जब नरसिंहा राव से चाहते तो शिव सोरेन अलग राज्य को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग राज नहीं बनाया बल्कि पैसा लिया, और उस कारण से बाद में जेल भी उनको भेज दिया था। आपको पता है ना, आप सब लोगों को। तो मैं इसलिए आप सबको ये कहने के लिए आया हूं, आज अगर इस प्रदेश का अलग झारखंड राज्य बना है तो कौन बनाया? एनडीए गठबंधन की सरकार ने बनाया। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, तो झारखंड राज्य भी बना। और झारखंड राज्य बना तो आप सबने देखा कि हम राज्य के मुख्यमंत्री बने, विकास का काम उसी समय प्रारंभ हुआ, सड़कें बनने लगी, नदी नाला में पुल पुलिया बनने लगा, उस समय बच्चों को साइकिल भी उपलब्ध कराए, और आदिवासी बेकार बेरोजगार नौजवानों को तो मैंने बस भी उपलब्ध कराए थे। मैं इसलिए आप सब लोगों को ये कह रहा हूँ कि इन लोगों ने क्या काम किया। इन लोगों ने तो सिर्फ लूटने का काम किया। जब से जब जब इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, इस राज्य को इन्होंने लूटने का काम किया। आज बालू तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा, बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, लोहा हो, यानी लूट रहे, लूट रहे। और ये लूट की शुरुआत कब से हुई है? जब इस प्रदेश में 2013 में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। बात तो 1932 करते हैं, बात तो झारखंडियों की हित की बात करते हैं बड़े बड़े, लेकिन बालू को लूटने के लिए मुंबई और दिल्ली से कौन लेकर के आया झारखंड में? हेमंत सोरेन जी लेकर के आए, कांग्रेस पार्टी वाले लोग लेकर के आए। जब एनडीए गठबंधन की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी हम मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, तो उस समय कोई बालू घाट में कोई नीलामी नहीं हुई थी। बालू घाट तो उस समय फ्री था। आप सब लोग याद करिए, नदी नाला से बालू लाइए, घर बनाइए, बाहर में बेचिए, ससुराल जाइए तो फ्री में भेज दीजिए, कोई पकड़ने वाला नहीं था। लेकिन आज तो पकड़ता है ना पुलिस, नदी से लाते होंगे, पुलिस पकड़ता है कि नहीं बताइए? तो केस कर देता है एक एक ट्रैक्टर में। आप तो बालू कितना महंगा हो गया। तो ये लोग लुटेरा लोग हैं, अपनी तिजोरी को भरते हैं, झारखंड की जनता की चिंता नहीं करते, आदिवासियों की चिंता नहीं करते, कोई मीडिया की चिंता नहीं करते, गरमाली की चिंता नहीं करते, मुंडा उराव संधान के लोग चिंता नहीं करते, बातें बड़े बड़े करते हैं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि झारखंड को बचाना है, इन लुटेरों से बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी राजसु पार्टी को जिताना है। यही हम निवेदन करने के लिए आया हूँ, यही हम अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।